हेलो व्यूवर्स, एक्सरसाइज 4.7 कॉशी आयलर इक्वेशन। हमने पहले 18 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जिसमें हमने कॉशी आयलर इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड किया है। कॉशी आयलर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके साथ जो कोफिशिएंट है वो एक वेरिएबल होता है, और उस वेरिएबल का जो पावर होगी वो उस का जो ड्रिविटिव होगा, जो साथ मल्टीपल हो रहा है उसी के ऑर्डर के बराबर होगी। तक देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में आप देख सकते हैं कि ये y डबल प्राइम में साथ x स्क्वायर दिया हुआ है, यानी वो ऑर्डर भी ड्रिविटिव का 2 है और यहाँ पे x की पावर भी 2 है। यहाँ पे देखिए y प्राइम है सिंगल ड्रिविटिव, तो x की पावर भी 1 है। ऊपर देखिए जो 19 है, इसमें जाहिर लग रहा है कि ये उस फॉर्म में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 19 भी जो है वो भी उस फॉर्म में बन जाएगी। इसमें जो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कॉशी आयलर इक्वेशन के हैं। हम आज स्टार्ट करेंगे 19 से। इन प्रॉब्लम 19 टिल 24 सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। कॉशी आयलर इक्वेशन का जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ उसके वाई सी में आता है, उसका वाई सी फाइंड करने में, बस उसका मेथड में डिफरेंस आता है। वाई पी जब फाइंड करते हैं तो वही जो हमने पहले पढ़े हैं मेथड, एक हमने पढ़ा है यू सी मेथड और एक हमने पढ़ा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, उसी को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब जो उसने कहा है कि 19 से 24 तक आपने क्या करना है, जिसका वाई पी है वो सॉल्व करने के लिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड का इस्तेमाल करना है। चलिए अब 19 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दिया हुआ जी एक्स वाई डबल प्राइम माइनस 4y प्राइम इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर वाई डबल प्राइम माइनस 4xy प्राइम और x की पावर 5 आ जाएगा। इसका लीजिए होमोजीनियस पार्ट, जो कि एक्स स्क्वेयर वाई डबल प्राइम माइनस 4xy प्राइम इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम क्या करते थे कि हम अज्यूम करते थे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो y इज इक्वल टू x की पावर में m है, और फिर इसको दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये बनेगा m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1, फिर y डबल प्राइम बनेगा m इंटू एम माइनस 1 इंटू एक्स की पावर m माइनस 2। ये जो आपने दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया है इसको आप वापस प्लग कर दीजिए इक्वेशन के अंदर, वो बनेगा मेरे पास एक्स स्क्वेयर इंटू y डबल प्राइम, जो कि m इंटू एम माइनस 1 एक्स की पावर में m माइनस 2 है, माइनस 4x इंटू वाई प्राइम, जो कि m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 है, इज इक्वल टू, इसमें y टर्म नहीं है तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लीजिए यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये बनेगा m इंटू एम माइनस 1 एक्स की स्क्वेयर, ये है, ये x की पावर m माइनस 2 है, जब ज्वाइन करेंगे तो x की पावर m रह जाएगी, ये माइनस 4m, यहाँ भी x की पावर ज्वाइन करेंगे तो x की पावर m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। लीजिए इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, इसमें आप कॉमन लीजिए फैक्टर, x की पावर m कॉमन आ जाएगा, जो बाकी बचेगा m स्क्वेयर माइनस m माइनस 4m रह जाएगा, इंटू x की पावर m बराबर है 0, क्योंकि x m 0 नहीं होगा, जो मैंने सपोज किया है सोल्यूशन वो 0 सोल्यूशन नहीं है, इट मीन जो उसके अंदर बचेगा m स्क्वेयर माइनस m माइनस 4m, जो कि माइनस 5m बनेगा, इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से आप m कॉमन लीजिए तो m इंटू एम माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ से जो m की वैल्यूज आ गई, एक 0 आ गई और एक 5 आ गई, ये बन गया डिस्टिंक्ट रूट आ गए। लिहाजा हमारा जो y c बनेगा, y c ऑफ जो x बनेगा c 1, और यहाँ हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने y x की पावर में m की फॉर्म में लिया हुआ सोल्यूशन, तो ये m की वैल्यू 0 आ गई, तो c इंटू एक्स की पावर 0 प्लस c 2 एक्स की पावर 5, या कह लें कि c 1 प्लस c 2 एक्स की पावर 5, ये मेरे पास आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब हमने फाइंड करना है इसका जो है पार्टिकल सोल्यूशन, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड है उसके अंदर हम y1 और y2 इसमें निकालते हैं। जो y1 आया है c1 कोफिशिएंट, जो कि 1 है, और जो y2 बनेगा वो x की पावर 5। इसका फाइंड करेंगे रॉन्सकियन, रॉन्सकियन ऑफ 1 एंड x की पावर 5, ये क्या होता है, पहला फंक्शन 1, फिर y2 x 5, 1 का डेरिवेटिव 0, x की 5 का डेरिवेटिव 5, x की पावर 4 आ गया। सिंप्लीफाई कीजिए, ये 5x की पावर 4 माइनस 0, तो ये 5x की पावर 4 बन जाएगा। अच्छा, अब देखिए जो मेरे पास गिवन क्वेश्चन था वो जब मैंने x से मल्टीप्लाई किया था तो मुझे था x स्क्वेयर y डबल प्राइम माइनस 4xy प्राइम इज इक्वल टू x की पावर 5। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड इस्तेमाल करने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो y डबल प्राइम है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्योंकि हमने जो u1 और u2 की वैल्यूज फाइंड की हुई हैं, जो हमने फार्मूला कंस्ट्रक्ट किया हुआ है,
वो इस अजम्पशन पे किया हुआ है कि वाई डबल प्राइम का कोफिशियंट 1 है, तो इसको 1 बनाने के लिए एक्स से डिवाइड कर दीजिए, ये बनेगा वाई डबल प्राइम माइनस 4 ओवर एक्स वाई प्राइम, और ये बनेगा एक्स की पावर 3 बन जाएगा। यानी मेरा अब ये क्वेश्चन ये बन जाएगा, यहाँ से मैंने जो है अपना फंक्शन रिड्यूस करना है, जो मेरे पास क्या बनेगा अब एक्स पावर 3 बनेगी। अब इसकी मदद से मेरे पास जो होगा जो यू वन आएगा, यू वन क्या बनेगा, यू वन इज इक्वल टू माइनस वाई टू एफ ऑफ एक्स ओवर में रॉन्स्कियन डी एक्स, और ये बनेगा मेरे पास वाई टू यहाँ पर कितना आ गया एक्स की पावर में 5, एफ ऑफ एक्स आ गया मेरे पास एक्स की पावर 3 ओवर में रॉन्स्कियन 5 एक्स की पावर 4, ये डी एक्स बन गया। ये माइनस 1 ओवर 5 बाहर आ गया, ऊपर देखिए 5 प्लस 3 पावर 8 बन जाएगी, एक्स की पावर 8 है, नीचे एक्स की पावर 4 डी एक्स बन जाएगी, ये माइनस 1 ओवर 5 इंटीग्रल एक्स की पावर 4 डी एक्स बन जाएगा, और ये एक्स की पावर जब इंटीग्रेट करेंगे तो 5 आ जाएगा, नीचे 5 एक पहले से 5 है तो ये 25 बन जाएगा। ये यू वन आ गया। यू टू जो बनेगा इंटीग्रल वाई वन एफ ऑफ एक्स ओवर में रॉन्स्कियन डी एक्स, ये बनेगा मेरे पास वाई वन 1 है, एफ एक्स मेरे पास एक्स क्यूब है ओवर में रॉन्स्कियन जो कि 5 एक्स की पावर 4 डी एक्स है, 1 ओवर 5 देखिए बाहर आ गया, और ये कट के 1 ओवर एक्स रह जाएगा, 1 ओवर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बनेगा, ये मेरे पास आ गया वाई यू टू की वैल्यू। अब मैंने जो अज्यूम किया होता है इस मेथड के अगेंस्ट, जो हमारा वाई पी होता है सपोज होता है, वो क्या होता है यू वन वाई वन प्लस यू टू वाई टू, तो यू वन इसमें कितना आ गया, ये यू वन फाइंड कर चुके हैं, ये आएगा माइनस एक्स की पावर 5 ओवर में 25 इंटू वाई वन विच इज़ 1, और फिर यू टू जो कि 1 ओवर 5 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई टू विच इज़ एक्स की पावर 5 आ गया। इनको कंबाइन करेंगे जो वाई ऑफ एक्स बनेगा ये वाई सी प्लस वाई पी बन जाएगा, वाई सी क्या था सी वन प्लस सी टू एक्स की पावर में 5, और वाई पी है माइनस एक्स की पावर में 5 ओवर में 25, और एक्स की पावर में 5 ओवर में 5 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये इसका देखिए सॉल्यूशन आ गया जी। क्वेश्चन 21 देखिए, एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस एक्स वाई प्राइम प्लस वाई इक्वल टू एक्स, पहले हम लेंगे इसका होमोजीनियस पार्ट जो कि एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस एक्स वाई प्राइम प्लस वाई इक्वल जीरो है, और आप देख सकते हैं कि ये कॉशी आयलर इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल जो है वो जो कॉफिशेंट्स हैं वो वेरिएबल हैं, और इस तरह हैं कि जो एक्स की पावर है वही साथ वाई का डेरिवेटिव है। तो हम अज्यूम करें कि हमारा जो सोल्यूशन है वो है मेरे पास वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम, इसको दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई प्राइम जो बनेगा वो एम एक्स की पावर एम माइनस 1, और जो वाई डबल प्राइम बनेगा वो एम इंटू एम माइनस 1 एक्स टू द पावर एम माइनस 2। इसके बाद हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बनेगी एक्स स्क्वेयर वाई डबल प्राइम जो कि एम इंटू एम माइनस 1 एक्स की पावर एम माइनस 2 बन जाएगी, माइनस एक्स इंटू वाई प्राइम जो कि एम टाइम एक्स टू द पावर एम माइनस 1 है, और प्लस वाई है जो कि एक्स की पावर एम है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स स्क्वेयर ज्वाइन कर देंगे और एक्स की पावर एन सब में से कॉमन आ जाएगी, बाकी बचेगा मेरे पास एम स्क्वेयर माइनस एम, ये फर्स्ट टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, एक्स ज्वाइन हो चुका है, इधर देखिए माइनस एम बचेगा, यहाँ से माइनस एम आएगा और यहाँ से प्लस वन आएगा, और इंटू एक्स की पावर एम बराबर है ज़ीरो, जो कि एक्स की पावर एन नॉन ज़ीरो सोल्यूशन लिया हुआ है, सो सेकेंड जो फैक्टर बनेगा एम स्क्वेयर माइनस टू एम प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, और ये बनेगा मेरे पास एम माइनस वन का होल स्क्वेयर आ जाएगा, और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो m की वैल्यू आ गई है वो रिपीटेड आ गई है, लिहाजा मेरे पास जो y c ऑफ x बनेगा वो बन जाएगा c1 x की पावर में 1, और c2 चूंकि रिपीटेड है साथ मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x, और x की पावर में दोबारा से 1 आ जाएगा, या कह लें कि c1 x प्लस c2 x नेचुरल लॉग ऑफ x बन गया, ये मेरे पास बन गया वाई सी। अब YP के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन दी गई है y डबल प्राइम का जो कोफिशियंट्स है उसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे x के से डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा y डबल प्राइम माइनस 1 ओवर x रह जाएगा, ये y प्राइम प्लस 1 ओवर x स्क्वायर
वाई इज इक्वल टू टू ओवर एक्स बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा वो टू ओवर एक्स बन जाएगा, और ऊपर जो मेरे पास वाई वन और वाई टू आ गए हैं, वाई वन और वाई टू क्या आ गए हैं जी, वाई वन सी वन का कोफिशियंट है जो कि एक्स है, और जो वाई टू है वो मेरे पास सी टू कोफिशियंट है जो नेचर एक्स टाइम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। साथ इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए वाई टू को, ये एक्स को होल्ड कीजिए, लॉग एक्स का वन ओवर एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स होल्ड करेंगे और एक्स का वन आएगा और ये एक्स इससे कट जाएगा, तो ये वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बन जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे इनका रॉन्सकियन, जो रॉन्सकियन बनेगा w ऑफ x और x टाइम नेचुरल लॉग ऑफ x का जो y1 y2 है, ये बनेगा y1 जो कि x आएगा, फिर y2 जो कि x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x है, इनके डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 आएगा और x लॉग x का जो है ऊपर में लिखा है कि ये 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x आता है। सिंप्लीफाई करें, x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x और माइनस x नेचुरल लॉग ऑफ x, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बनेगा, ये टर्म कट जाएगी तो बाकी रह जाएगा मेरे पास एक्स रह जाएगा। लिहाजा जो यू वन आएगा मेरे पास वो बनेगा इंटीग्रल माइनस वाई टू एफ ऑफ एक्स ओवर में रॉन्सकियन डी एक्स, ये बनेगा माइनस इंटीग्रल वाई टू, वाई टू है जी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, फंक्शन जो मेरे पास है वो है टू ओवर में एक्स ओवर में रॉन्सकियन यानी वन ओवर रॉन्सकियन, और वो भी मेरे पास एक्स है, और ये डी एक्स बनेगा, देखिए माइनस बाहर टू बाहर, एक एक्स यहाँ से कट जाएगा और जो बाकी बचेगा मेरे पास वो आएगा वन ओवर एक्स रह जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स रह जाएगा। इसको इंडिकेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसको इंडिकेट करने के लिए देखिए ये लॉग एक्स है और लॉग एक्स के साथ डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, या आप देखिए कि इसको आप अज्यूम कर लें कि जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है ये कह लें कि वाई के बराबर है, इसको करेंगे डिफरेंशिएट वन ओवर एक्स डी एक्स और डी वाई बन जाएगा, और इसके बाद है जो इंटीग्रल है ये क्या बन जाएगा मेरे पास, जो ये इंटीग्रल था देखिए जो वन ओवर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स है ये बनेगा इंटीग्रल, लॉग एक्स को वाई कह चुके हैं तो ये वाई बन जाएगा, और जो बाकी बन गया वन ओवर एक्स और डी एक्स ये डी वाई के बराबर है, और जो वाई को इंडिकेट करेंगे तो वाई स्केयर बाई टू बनेगा, और चूंकि वाई की वैल्यू लॉग ऑफ एक्स है तो इसका देखिए स्केयर ओवर में टू आ जाएगा, ये इसका आएगा इंटीग्रल आएगा। ठीक हो गया, इसका मतलब हुआ कि जो इंटीग्रल बनेगा माइनस टू वैसे आएगा और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इसका होल स्केयर ओवर में टू बनेगा, ये टू कट जाएगा तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इसका होल स्केयर ये यू वन आ गया। अब यू टू फाइंड कीजिए, ये बनेगा इंटीग्रल वाई वन एफ ऑफ एक्स ओवर में रॉन्सकियन इंटू डी ऑफ एक्स आ गया, वाई वन मेरे पास एक्स है, फंक्शन मेरे पास है टू ओवर एक्स ओवर में रॉन्सकियन डी एक्स, ये एक्स इससे कट गया, बाकी रहेगा मेरे पास टू बाहर आ गया, वन ओवर एक्स डी एक्स आ गया और ये टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया। ठीक हो गया जी। अब मेरे पास जो बनेगा इनको देखते हुए मेरा जो वाई पी बनेगा, तो जो वाई पी बन जाएगा वो क्या बन जाएगा जी, यू वन वाई वन और यू टू वाई टू। यू वन जो ऊपर निकाला है, यू वन की जो वैल्यू आई है ये देखिए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इसका होल स्केयर है इंटू वाई वन जो कि एक्स के बराबर है प्लस यू टू, यू टू आया मेरे पास टू टाइम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू आ गया वाई टू जो कि एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये देखिए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इसका होल स्केयर आ गया और साथ इसके आ गया एक्स, और अगर आप दूसरे को सिंप्लीफाई करें देखिए टू आ जाएगा साथ एक्स भी आएगा और नेचुरल लॉग एक्स का होल स्केयर भी आ गया, तो देखें ये फिर सेम टर्म बन गई है, ये माइनस एक्स है ये प्लस टू एक्स है, कंबाइन करेंगे तो एक्स टाइम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इसका होल स्केयर ये मेरे पास वाई भी बन गया। इसको ऐड करेंगे वाई सी के साथ तो जो वाई एक्स बन जाएगा वाई सी प्लस वाई पी, वाई सी था सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स टाइम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और वाई पी आ गया एक्स टाइम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इसका होल स्केयर। ये देखिए आपका सॉल्यूशन निकला है।
अच्छा, ये था आपका 21 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए 22 कर लेते हैं। 22 में जो मेरे पास दिया है फंक्शन, इक्वेशन जो दी हुई है सॉल्व करने के लिए, वो फिर उसका स्टार्टिंग वही है, एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस 2xy प्राइम और प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4e रेज टू पावर x है। ठीक है, ये मेरे पास है जी इक्वेशन। इसका जो वाई सी बनेगा उसको लेकर आपने पुट करना है अपना, वही रेगुलर मेथड यूज़ करेंगे हम, जो है वाई को प्रूव कर लेंगे एक्स की पावर एम, और इसको यहाँ प्लग करेंगे एक्स स्क्वेयर वाई डबल प्राइम, दो दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे एम इंटू एम माइनस 1 एक्स की पावर में एम माइनस 2 वाई डबल प्राइम माइनस 2xy प्राइम, जो एम इंटू एक्स की पावर में एम माइनस 1 प्लस 2y जिस 2 पावर xm, और हम 0 से इक्वेट करेंगे बिकॉज हम सिर्फ वाई सी ले रहे हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, ये एम स्क्वेयर माइनस एम यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस 2m आ जाना है और प्लस लास्ट 2 बन जाएगा, इंटू एक्स की पावर में एम बराबर है 0, विच मीन्स के जो फर्स्ट फैक्टर है एम स्क्वेयर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0 बनेगा। इसके पेयर बना लीजिए, एम स्क्वेयर माइनस 2m माइनस एम प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से m कॉमन लेंगे m माइनस 2 आएगा, माइनस कॉमन लेंगे m माइनस 2 इक्वल टू 0, m माइनस 2 और m माइनस 1 रहेंगे, और यहाँ देखिए m की वैल्यू बनेगी 1 एंड 2। लिहाजा मेरे पास जो y c आया x आएगा सी वन एक्स की पावर में 1 प्लस सी टू एक्स की पावर में 2, इसी में पास आ गया। यहाँ से मेरे पास जो y 1 बन जाएगा वो x है, और जो y 2 है ये एक्स स्क्वेयर है, इसका निकाल लेंगे रॉन्सकियन, जो रॉन्सकियन आएगा y 1 विच इज़ x, एक्स स्क्वेयर इसके डेरिवेटिव 1, इसका 2x। सिंप्लीफाई कीजिए, x इंटू 2x ये बनेगा 2x का स्क्वेयर माइनस x का स्क्वेयर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। अब आपने क्या करना है, जो हमारी स्टार्टिंग वाली इक्वेशन है इसको आपने जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूले के आना है, उसके लिए एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगी वाई डबल प्राइम माइनस 2 ओवर में x y प्राइम प्लस 2 ओवर x स्क्वेयर y इज इक्वल टू ये x² ex है। यहाँ से आपने अपना जो फंक्शन है वो आइडेंटिफाई करना है, जो कि x² e रेज टू पावर x होगा। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसको यूज़ करते हुए आपने फाइंड करना है u1 और y1। u1 का जो फार्मूला होता है u1 इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस y2, जो कि यहाँ पे x² है, इंटू f(x) जो कि x² e की पावर में x है, ओवर में रॉन्सकियन जो कि x² है। अच्छा, ये देखिए ये से कट जाएगा, ये बाकी बचेगा माइनस x² ex आ जाएगा dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन यूज़ करनी पड़ेगी, दो दफ़ा अप्लाई करना पड़ेगा, और आपका जो इंटीग्रल बनेगा x² को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, माइनस बाहर वैसे रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ x² एज इट इज़ e रेज टू x को करेंगे इंटीग्रेट es आएगा माइनस, लेकिन चूंकि बाहर माइनस और प्लस बन गया, इंटीग्रल es का दोबारा इंटीग्रल ex बनेगा, और x² का डिफरेंशिएट करेंगे वो 2x इंटू dx बन जाएगा। ये बनेगा मेरे पास माइनस x² ex प्लस 2 बाहर ले आइए, दोबारा से लगाइए बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन, एक्स को होल्ड कीजिए, ई एस को इंटीग्रल माइनस फिर ई एस का इंटीग्रल, और एक्स का 1 dx बन गया। ये बनेगा माइनस x² e रेज टू पावर x प्लस 2xex माइनस 2ex, ये देखिए इसका बन गया इंटीग्रल। इस जो u2 बनेगा मेरे पास y1 जो कि x है, इंटू फंक्शन जो कि x² e की पावर x है, ओवर में रॉन्सकियन जो कि x² है, इंटू dx, ये से कटेगा। अब x और ex रह गया, जो x और ex है इसको फिर आपने इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन x लीजिए एज इट इज, सेकंड को इंटीग्रेट कीजिए ex वैसे का वैसे, फिर ex को इंटीग्रेट करेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 dx बन गया, ये xex माइनस ex बन जाएगा। लिहाजा मेरे पास जो बनेगा yp बन जाएगा, जो क्या होता है u1 y1 प्लस u2 y2। u1 ये आ गया मेरे पास माइनस x² e रेज टू पावर x प्लस 2x e रेज टू पावर x माइनस 2 e रेज टू पावर x इंटू y1 जो कि x के बराबर है, प्लस y u2 आ गया,
यू टू है एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स इंटू वाई टू आ गया जो कि एक्स स्क्वेयर है। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कुछ टर्म में भी कंबाइन हो जाए, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आप देखें कि ई की पर एक्स सब में कामन ले लीजिए, इससे आसानी हो जाएगी क्योंकि सब टर्म में यही आ रही। जब कामन लेंगे तो ये आखिर अंदर ई एस कामन आ गया, बाहर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स का क्यूब आ जाएगा प्लस टू एक्स स्क्वेयर आ जाएगा माइनस टू एक्स आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ई एस कामन आएगा, बाहर एक्स स्क्वेयर है तो ये फिर देखिए एक्स का क्यूब बन जाएगा और माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। तो देखें ये टर्म इससे कट गई और स्क्वेयर वाली ज्वाइन कर देंगे तो मेरे पास जो बाकी बचेगा ई एक्स आ जाएगा, टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर तो ये एक्स स्क्वेयर आ गया और देखिए माइनस के टू एक्स आ गया, ये मेरे पास वाई पी बन गया। तो इस तरह जो वाई एक्स आ जाएगा वाई सी प्लस वाई पी, वाई सी जो है वो सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वेयर है और इस तरह जो हमारे पास वाई पी बनेगा ई टू पर एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स, ये देखिए इसका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 22। अच्छा इसके बाद देखिए जो 23 है और हाँ उसमें बस हमारे पास फंक्शन चेंज होगा, बाकी सारा उसमें वही है। लाइक 23 में मेरे पास जो है वो एक्स स्क्वेयर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम माइनस वाई और ये देखिए नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया। पहले फाइंड करेंगे वाई सी, वाई को अज्यूम करेंगे कि वो एक्स की पावर में एम की फॉर्म में है, यहाँ उसका प्लग करेंगे डेरिवेटिव वाई डबल प्राइम एम इंटू एम माइनस वन एक्स की पावर में एम माइनस टू प्लस एक्स इंटू एक्स की पावर में एम माइनस वन माइनस वाई विच इज़ एक्स की पावर एम इज इक्वल टू जीरो आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे एम स्क्वेयर माइनस एम आ जाएगा, यहाँ से एम निकल आएगा और यहाँ से वन इंटू एक्स की पावर में एम कॉमन आ गया और यहाँ से बनेगा एम स्क्वेयर, देखें ये कट गया माइनस वन इज इक्वल टू वन और यहाँ से जो एम बन जाएगा वो प्लस माइनस वन बन जाएगा। जो वाई सी ऑफ एक्स बनेगा ये आएगा मेरे पास सी वन एक्स और सी टू एक्स की पावर नेगेटिव वन या सी वन एक्स और कह लें कि सी टू ओवर में एक्स आ गया। यहाँ से मेरे पास जो वाई वन की वैल्यू आएगी वो एक्स बनेगी और वाई टू की वैल्यू बनेगी वन ओवर एक्स बनेगी। यहाँ से इनका निकालते हैं रॉन्सकियन वाई वन विच इज़ एक्स वाई टू वन ओवर एक्स, डिफ्रेंशिएट कीजिए इसका वन आएगा और इसका माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर आएगा। सिंप्लीफाई करें एक्स इंटू माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर करेंगे तो माइनस वन बाई एक्स बनेगा और ये माइनस वन बाई एक्स दोबारा से बन जाएगा तो माइनस टू बाई एक्स आ जाएगा। यहाँ से अपना फंक्शन जो है आइडेंटिफाई कीजिए, देखिए यहाँ पर जो एक्स से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो फंक्शन बन जाएगा, आपने उसको ख्याल करना है कि जो फंक्शन बनेगा वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स नहीं बनेगा बल्कि जब आप एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये वन ओवर एक्स स्क्वेयर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बन जाएगा। बस इनको देखते हुए अब हम लेंगे यू वन जो कि माइनस इंटीग्रल वाई टू जो कि वन ओवर एक्स है इंटू फंक्शन जो कि वन ओवर एक्स स्क्वेयर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है ओवर में रॉन्सकियन जो कि वन ओवर माइनस टू ओवर एक्स डी एक्स है। ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, टू भी है बाहर है तो वन ओवर टू बाहर आ गया, ये एक्स ऊपर आ जाएगा तो देखिए ऊपर आ जाएगा एक्स डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और जो ओवर में है ये एक्स है और एक्स के तो ये एक्स का क्यूब आ जाएगा, ये माइनस बल्कि प्लस वन बाई टू एक एक्स कट जाएगा तो देखिए वन ओवर एक्स स्क्वेयर और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर आ जाएगा। तो इसको कीजिए बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन, लॉग एक्स को दीजिए फर्स्ट फंक्शन, वन ओवर एक्स को लीजिए सेकेंड फंक्शन, तो वन बाई टू बाहर वैसे का वैसे रहेगा, वन बाई टू बाहर वैसे का वैसे रहेगा तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लॉग एक्स को आप एज इट इज और वन ओवर एक्स स्क्वायर को जब करेंगे इंटीग्रेट तो माइनस वन बाई एक्स आ जाएगा इंटीग्रल, फिर माइनस वन बाई एक्स लॉग एक्स करेंगे डिफ्रेंशिएट तो वन ओवर एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स बन गया। ये वन बाई टू माइनस वन बाई एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बन गया और देखिए ये माइनस माइनस बाहर आके प्लस हो गया और बाकी रह गया वन ओवर एक्स, उसको फिर करेंगे इंटीग्रेट तो माइनस वन बाई एक्स आ जाएगा इंटू, अब इसे सिंप्लीफाई कर लें ये माइनस वन ओवर देखिए टू एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया और ये बनेगा माइनस वन ओवर टू एक्स आ गया। इस तरह यू टू निकाल लीजिए, जो यू टू बनेगा इंटीग्रल वाई टू जो कि एक्स है इंटू एफ ऑफ एक्स जो कि यहाँ पे देखिए हमने निकाला हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर में एक्स स्क्वेयर
और 1 ओवर रॉन्सकियन जो माइनस 2 ओवर में x, x ऊपर आ जाएगा इंटू डी एक्स बनेगा। ये देखिए x और x स्क्वेयर इससे कट जाएगा, माइनस 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x अंदर आ जाएगा, जिसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन लीजिए लॉग x को, साथ में लाइए 1, उसको करेंगे इंटीग्रेट, x आएगा माइनस x अगेन आएगा, लॉग x का 1 ओवर x डी एक्स बन जाएगा। ये बनेगा मेरे पास माइनस 1 बाय 2 एक्स टाइम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स एस कटेगा 1, और 1 को फिर करेंगे इंटीग्रेट तो 1 बाई एक्स बनेगा। तो ये माइनस 1 बाई 2 एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बन गया और प्लस एक्स ओवर में 2 आ गया। अच्छा, अब हम लेंगे यहाँ पे अपना यू पी, जो यू जो सॉरी वाई पी जो बनेगा वो आएगा यू 1 वाई 1 यू 2 और वाई 2। जो यू 1 आएगा यहाँ में निकाला हुआ है वो देखिए ऊपर आ चुका हुआ है माइनस 1 बाई 2 एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और माइनस जो है माइनस 1 ओवर 2 एक्स आ गया इनटू वाई 1 जो कि एक्स है, और फिर यू 2 आएगा जो कि माइनस 1 बाई 2 एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स बाई 2 है इंटू वाई 2 जो कि 1 ओवर एक्स है। सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और देखिए माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा। इसको 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म जो बनेगी वो माइनस 1 बाई 2 एक्स कट जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बनेगा, और जो सेकेंड टर्म बनेगी 1 ओवर में 2 आ जाएगी। ये देखिए इससे कट गई, और ये माइनस हाफ मिलाएंगे तो ये बनेगी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बन जाएगी, ये आपका वाई पी आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे वाई सी के अंदर तो देखिए इसका जो सोल्यूशन निकल आएगा, जो y ऑफ x बनेगा ये सी वन एक्स प्लस सी टू ओवर में x और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x बनेगा। ये आपका देखिए 23 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 24 देखिए, इसका जो y सी है बिल्कुल ऊपर वाले 23 के जैसा है, मैंने इसको फौरन वैसे ही कर दिया। आप y इज इक्वल टू एस के ऊपर एम एस सॉल्यूशन लीजिए, वहाँ प्लग कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ से m निकालिए, m आपका प्लस माइनस 1 आएगा। सेम आपका जो बनेगा सोल्यूशन वाई सी सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स की पावर नेगेटिव 1, या उसको आप सी वन एक्स प्लस सी टू ओवर एक्स ले सकते हैं। यहाँ से जो वाई वन आएगा वो एक्स होगा, वाई टू वन ओवर एक्स होगा, इसका निकालिए रॉन्सकन, ये माइनस टू ओवर एक्स आएगा। ये बिल्कुल आपका जो प्रोसेस है वो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे है, बस आप यहाँ पर फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लीजिए। जो मेरे पास जो फंक्शन बनेगा जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, आपका जो एफ ऑफ एक्स बनेगा वो एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर आएगा। लीजिए अब हम फाइंड करते हैं इसका यू वन और यू टू फाइंड करते हैं। जो यू वन बनेगा इंटीग्रल माइनस वाई टू एफ ऑफ एक्स ओवर में रॉन्सकियन डी एक्स बनेगा, ये बनेगा इंटीग्रल वाई टू जो कि 1 ओवर एक्स के बराबर है, उसके बाद फंक्शन जो कि 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर है, और रॉन्सकियन ओवर में माइनस 2 ओवर एक्स बनेगा क्योंकि बटे के नीचे, तो ये बनेगा माइनस एक्स ओवर में 2 इंटू डी एक्स बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बाहर आके 1 बाई 2 बन गया। अब देखिए जो ये जो x है ये इस x से कट जाएगा, मेरे पास जो बाकी बचेगा वो आएगा डी एक्स ओवर में एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। ये मेरे पास अब ये देखिए पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। इसको बाहर निकाल लीजिए, 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1 है, ये बनेगा ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वेयर और सी ओवर एक्स प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। ये 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स और एक्स प्लस 1 आएगा, बी के साथ देखिए एक्स प्लस 1 आ जाएगा और सी के साथ एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। आप पहले x को प्लग कीजिए 0, ये 1 बनेगा, फर्स्ट टर्म 0 बन जाएगी, सेकंड टर्म में सिर्फ b रह जाएगा और थर्ड टर्म भी 0 बनेगी। यहाँ मेरे पास देखिए जो b की वैल्यू आ गई वो 1 के बराबर है। फिर आप दोबारा x को प्लग कीजिए नेगेटिव 1, लेफ्ट पे 1 रहेगा, फर्स्ट टर्म 0 सेकंड टर्म 0 और थर्ड टर्म में देखिए c आएगा, तो यहाँ देखिए मेरे पास जो c बन जाएगा वो भी 1 आएगा। उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 इज इक्वल टू ए एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए एक्स स्क्वेयर और ए एक्स आ जाएगा प्लस बी एक्स प्लस बी आ जाएगा और देखिए सी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। चूँकि मुझे ए फाइंड करना है तो ए किस में आ रहा है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर में, जो यहाँ पे कोफिशियंट एक्स स्क्वेयर है और यहाँ पर भी है, यानी ए प्लस सी बनेगा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर और लेफ्ट हैंड साइड पे वो जीरो है, जीरो से इक्वेट करेंगे सी वन है और यहाँ देखिए जो ए बन जाएगा मेरे पास वो माइनस वन के बराबर आएगा।
लिहाजा ये मेरे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी ये क्या बन जाएगी, ए विच इज़ माइनस वन ओवर एक्स प्लस बी विच इज़ वन ओवर एक्स स्क्वायर और सी विच इज़ वन ओवर एक्स प्लस वन बन जाएगी। यानी मेरा अब ये फंक्शन इसी वाला बन गया, ठीक हो गया, वन बाई टू बाहर आ गया इंटीग्रल। अब मुझे माइनस वन बाई एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन की फॉर्म में इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक हो गया जी। और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये बनेगा वन बाई टू बाहर वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस वन बाय इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वन ओवर एक्स स्क्वायर की बनेगी माइनस वन ओवर एक्स और यहाँ बनेगी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, ये मेरे पास यू वन आ गया। इसी तरह आप यू टू फाइंड कीजिए, वो बनेगा इंटीग्रल वाई वन जो कि एक्स के बराबर है इंटू फंक्शन वन ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन आ गया ओवर में रॉन्सकिन जो कि एक्स बाई टू के बराबर आएगा इंटू डी एक्स। ये देखिए एक्स 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 स्क्वायर है इसे कटेगा माइनस बाहर आ जाएगा वन ओवर एक्स प्लस वन डी एक्स है और यहाँ बनेगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बन जाएगा। मेरे पास जो वाई पी बन जाएगा वो आएगा जी यू वन वाई वन यू टू वाई टू। यू वन जो मैंने फाइंड किया है देखिए यू वन आया मेरे पास वन बाय टू इंटू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स वन सॉरी वाई वन जो कि एक्स के बराबर है प्लस यू टू जो कि आया है मेरे पास माइनस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन इंटू वाई टू जो कि वन ओवर एक्स के बराबर आया। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ये बनेगा मेरे पास ये बार एक्स भी है वन भी है हाफ भी है तो ये बनेगा माइनस वन बाय टू एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और ये बनेगा मेरे पास एक्स एक्स कट जाएगा तो माइनस वन बाय टू रहेगा और लास्ट रहेगा वन बाय टू एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन रहेगा। यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वन बाई एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन रह जाएगा। अच्छा यहाँ पे हाँ ये बस लास्ट टू टर्म्स हैं ये कंबाइन हो जाएंगी बाकी वैसे की वैसे रहेंगी। ये माइनस वन बाई टू एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बनेगा माइनस वन बाई टू बनेगा, ये प्लस हाफ है माइनस वन है तो ये माइनस की नहीं ये भी डिफरेंट ही है ये भी डिफरेंट है ये बिल्कुल उससे डिफरेंट टर्म आ रही है क्योंकि इसके बटे में एक्स है इसके ऊपर एक्स है तो ये फिर इसको वैसे ले दें वन बाय टू एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन आ गया और माइनस वन बाई एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन आ गया। जो वाइस बनेगा वाई सी जो कि सी वन एक्स प्लस सी टू ओवर में एक्स माइनस वन बाई टू एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन और माइनस वन बाई एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। देखिए इसका आंसर आ जाएगा। ये एक छोटी सी करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे ना ये टू भी था तो ये वन ओवर टू यहाँ ना था ये यहाँ पे माइनस वन बाय टू था और जब इसको प्लग करेंगे हम यहाँ पे तो ये यहाँ पे वन बाय टू आएगा और यहाँ पे ये जो लास्ट टर्म आएगी ये टू एक्स आ जाएगा। ठीक है ये टू एक्स आएगा बस ये इसमें इसका सोल्यूशन करेक्ट है।